यहाँ पे आज तीन चीजें दिख रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हां जी की हालचाल, क्योंकि जो लोग ये करते हैं ना उनकी हालत सच में खराब रहती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है सिगरेट, 300 सिगरेट है, 10 सिगरेट जो आदमी पीता है ना वो एक महीने में पिएगा 300 सिगरेट। और इधर है फ्लेवर वाला हुक्का, कई लोग बोलते हैं फ्लेवर वाला हुक्का ज्यादा अच्छा होता है सिगरेट से, तो इसको भी टेस्ट करेंगे। फिर आते हैं देसी हुक्के पे, लोग देसी हुक्के को बोलते हैं कि भाई देसी हुक्का सबसे बढ़िया है, सिगरेट विगरेट बेकार है, बीड़ी बेकार है, हुक्का सबसे बढ़िया। तो आज इन तीनों चीजों का हम टेस्ट करने वाले हैं इन बॉक्स से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया एक ब्लोअर जो कि यहाँ पे सक्शन का काम करेगा, वैक्यूम का काम करेगा। और इधर की तरफ क्या रहेगा हुक्के का, ये माउथ, ये आया हुक्का, हुक्के का मुंह यहाँ पे आ गया और ये हो गया अंदर लॉक। अब यहाँ पे हम बहुत सारी रुई डाल देंगे, हुक्के का धुआं सारा यहाँ से आएगा और इधर से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे सारे में रुई डालते हैं। तो देखो यहाँ पे रुई लग गई, हुक्का यहाँ पे कनेक्ट है, हुक्के की चिलम भरते हैं। देसी हुक्के की चिलम अगर किसी ने नहीं देखी तो दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे आती है ऐसे ढक्कन से होता है, टिकली बोलते हैं जिसको, ये यहाँ पे जाएगी और ऊपर डलेगा तंबाकू, फिर डलेगा यहाँ पे गोस्से कन्ने उपले कुछ भी बोल सकते हैं, वो हमने वहाँ पे चला रखे हैं। ये रे इसको उठा के डालना है, उससे पहले डलेगा तंबाकू। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, जो भी इसमें दिखाया जाता है पूरी सावधानी के साथ किया जाता है, तो उसको दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये देखो चिलम हमने अलग कर दी, अब चिलम के ऊपर जाएगा ये तंबाकू का पैकेट, पैकेट नहीं मतलब तंबाकू चाहेगा, इतना काफी लो पकड़ो। ये रहा, फिर तंबाकू आ गया यहाँ पे, ये देखो ये टिकली थी ना यहाँ पे, ये जो थी इससे क्या रहता है तंबाकू अंदर नहीं जाता, बस धुआं जाता अंदर। नॉर्मल से हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट, तो हमें रिजल्ट पता चलेगा। अब इसके ऊपर डालनी है हमें गोश्ते जो हमने बनाए हैं, मतलब उपले अंगार डालनी है इसके ऊपर। ये रही, ये अंगार हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये पूरे जले नहीं है, जल जाते तो धुआं कम हो जाता है, बट कोई नहीं, इसको रखा हमने यहाँ पे। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल सील, तब लगाएंगे यहाँ पे ये ब्लोअर जो होता है ना, इसको कनेक्ट कर देंगे, उससे पहले ये रबड़। सब कुछ हमारा अब यहाँ पे सेट हो चुका है, अब बस इसको ऑन करना है और सिस्टम हो जाएगा हमारा चालू। ये देखो ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको सक्शन दिखाई देगा, ये देखो इधर दिखाई दे रहा होगा सक्शन। जैसे लंग्स काम करते हैं ना, लंग्स का आपने देखा होगा कि जो फेफड़े होते हैं ना वो बंद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे रुई जो है ये बॉक्स बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। देखो आपको दिखाई देगा ये अभी कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ, भीचेगा ये, देखो साइड में भी ध्यान देना, ये एक्सपेंड करा और अभी खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या है, धुआं जो है ना वो आ तो रहा है पर बाहर से हवा खींच रहा है, तो हम इसको पूरा सील कर रहे हैं टेप लगा के। चलो अब करते स्टार्ट दोबारा, अंदर धुआं भी भर रहा है इसके, देखो जैसे मैं इसको रोक के दोबारा चलाता हूँ ना धुआं निकलता है, देखो तो बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। बॉक्स एक्सपेंड कर रहा है, उधर की जो कॉटन है वो येलो होती मुझे नजर आ रही है, आप देखो आपको यहाँ पे धुआं दिखाई देगा और कॉटन येलो होती नजर आएगी। दोबारा आग लग चुकी है, एक बार पीछे होके सारा दिखाओ, देखो यहाँ पे आग लगी हुई है और जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ यहाँ से धुआं आएगा, आग बंद हो जाएगी। एक चीज अभी पता है यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे मैं मशीन को हल्का सा झटका देता हूँ आपको गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देगी, जैसे हुक्के में आती है नॉर्मली, अगर आप गाँव गए होंगे तो आपको पता होगा, देखो ध्यान से सुनना। देख रहे हो कितना ज्यादा टार है, अभी बॉक्स खोला नहीं है और ऊपर से मुझे नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बॉक्स येलो हो चुका है, इधर आ चुका है रोई पे, यहाँ पे धुआं जमा है और इधर की तरफ तो बिल्कुल काला हो चुका है, जब खोल के देखेंगे ना, और अंदर पानी भी आ चुका है। अभी मैंने ध्यान दिया यहाँ पे, देखो पानी आ चुका है क्योंकि हुक्के के बेस में पानी भरा होता है, सक्शन इतना ज्यादा है कि सक्शन के साथ पानी आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा खींच लिया पानी आ रहा है, देखो पानी।
तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो इसका अंदर तम्बाकू डाला था वो पूरा का पूरा यहाँ पे जल चुका है। ये देखो ये तम्बाकू था, ये पूरा जल चुका है। ये रहा, तो एक लास्ट ब्लो देते हैं हम इसको। आना बंद हो चुका है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो तम्बाकू था वो सब जल चुका है। अब इसको हम खोल के देखते हैं कि अंदर क्या हाल हुआ है। खुल गया, अब बस मुझे ढक्कन हटाना। ढक्कन हटाने से पहले मैं पहन रहा हूँ ग्लव्स। तो हाथ में ग्लव्स आ गए। अब देखना हुक्के का कमाल, हुक्का क्या करता है। और खोलते एक स्मेल आई है सारे पे, मतलब खोलते जो हवा सी थी ना, जो अंदर का धुआं था, धुआं तो नहीं बच रहा था, हवा सी स्मेल आई एकदम। खोलते जो तम्बाकू की आती है, और ये देखो ये जाली है, जाली पे भी निशान आ चुके हैं। और ये वो वाला एरिया जहाँ से सेक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे देखो कितना धुआं बना है। ये रहा, ये ऐसा टार बना है, ये देखो। अब कई लोग बोलेंगे उस वाले एरिया पे नहीं गया जहाँ पे पानी था, ये वाला एरिया सूखा है। तो ये जितना भी ये चिपचिपा आ रहा है ना, ये देखो ये जो लिक्विड है, ये सारा का सारा टार है ये जो है। अब देखते हैं कॉटन, देखो भाई पहले तो पीली पड़ चुकी है पूरी कॉटन जो है, ये पीली पड़ चुकी है। और ये देखो एक तो ये गीली हो चुकी है क्योंकि अंदर से पानी आ गया था। अब ये जो जितने पीस दिख रहे हैं ना आपको काले काले से जो पीस हैं, ये सारे के सारे पीस हैं ऐश के। ये जो राख थी ना, ये जो राख थी, ये राख नीचे गई और सेक्शन में यहाँ पे आई है। तो देसी हुक्के में ये होता है। अब देखो इफेक्ट, तो नीचे से पानी वगैरह भी आ चुका है। तो ये है देसी हुक्के की रुई। अब इस रुई को मैं रखता हूँ एक जगह, और अब लगाएंगे फ्लेवर वाला हुक्का, फिर बाद में लगाएंगे सिगरेट। तो ये अलग रख लेते हैं, यह यहाँ पे, और बाद में हम कंपेयर करेंगे कि देसी हुक्का, फ्लेवर हुक्का या सिगरेट कौन ज़्यादा हार्मफुल है, पता चल जाएगा। तो लोग जो जो करते हैं ना, सबको पता चल जाएगा। कई लोग कहते हैं ना गाँव में भाई देसी हुक्का एकदम बढ़िया है, आज उसका भी हमें सच पता चल रहा है। देखो क्या होता है, कितना बढ़िया और कितना क्या है, सब कुछ सामने आ रहा है। ले आओ भाई रुई ले आओ। तो दोबारा से नकली फेफड़े यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, मतलब बॉक्स तैयार हो गया जिसमें हमने कॉटन लगा दिया। और अब लगाएंगे हम ये हुक्का, ये है फ्लेवर हुक्का। कई लोगों ने आपने देखा भी होगा, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे कॉइल रखी रहती है, जैसे ये रखी है यहाँ पे, ये हमने बहुत देर पहले रख दी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल राख हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक फ्लेवर भरा जाता है हुक्के के अंदर, यहाँ पे ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो जलता है, फिर ये नीचे जाता है और पूरा का पूरा यहाँ से पानी आता है, मतलब बिल्कुल देसी की तरह है, बस यहाँ पे फ्लेवर लगता है। अब देखते हैं फ्लेवर वाला कैसे काम करता है। तो पहले की तरह यहाँ पे हम लगा रहे हैं जाली, कि जब सक्शन हो तो पूरा का पूरा ही बाहर ना आ जाए। वही सिस्टम अपना इधर फिर से, और इसको भी कर दिया हमने बंद, फिर से टेप लगा के कर देंगे इसको सील, और इधर लगाएंगे हम ग्लू गन। तो मेरे हाथ में नॉर्मल हेयर ड्रायर है, अब इसको जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो कोई धुआं नहीं निकल रहा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये हुक्का है और इधर से सेट करता है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखना पूरा फंक्शन करना शुरू कर दिया। देखो धुआं आना शुरू हो गया और ये धुआं यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो धुआं आना शुरू हो गया ना, मेरा नीचे से भी आ रहा है, इधर उधर से भी, हर जगह से धुआं आना शुरू हो गया, यानी हुक्का हमारा बढ़िया काम कर रहा है। अब लगाना हमें ये पाइप बाद, इस मशीन को यहाँ पे कर देना ऑन। ये देखो एकदम धुआं आ गया है, देसी हुक्के में जल्दी से धुआं नहीं आ रहा, इसमें देखो एकदम से धुआं आता है, देख रहे हो पूरा बॉक्स कैसे भर रहा है, और इधर से धुआं आना शुरू हो गया। इस वाले हुक्के में तो पूरा का पूरा धुएं का आपको फ्लो दिखाई देगा। देखो अभी यहाँ पे पूरे में धुआं भरा हुआ है, वो कॉइल जल गई, इसकी भी कॉइल जल गई। ये देखो ये रहा हुक्के का जो कोयला है ना, ऊपर कोयला जल चुका है। अब देखना धुआं जैसे ही जाएगा ना, पूरा सर्कुलेट होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है, हमने कोयले भी बदले हैं धीरे धीरे, इसके जो कोल है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कोयल बोलते हैं लोग, कि कोयल भी बदल दी हमने उसकी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, फिर करा शाम हो गई शूट करते करते, देखो यहाँ पे लाइट लगाइए उधर लाइट लगाइए, तब जाके शूट कर रहे हैं। बट ये क्यों कर रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कैसे होता है, देसी हुक्के से फ्लेवर हुक्के पे आ गए, अब सिगरेट पाएंगे, सब कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ना कि हम सच में मेहनत करें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, पता क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब करा ना वहाँ पे क्लिक कर दो, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो। अब बढ़ते हैं आगे।
इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया कि चिलम के दे, ये देखो हुक्का जो है ना टेढ़ा मेढ़ा हो चुका, नाचने लगा, सब कुछ अंजर पंजर खुल गए इसके। और अब जो धुआं आना भी बंद हो चुका है, धुआं आना बिल्कुल बंद हो चुका है, बहुत कम धुआं आ रहा है। तो अब इसको बंद कर देते हैं, गिरा गिरा कोई धुआं नहीं है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसका पान, कोई बात नहीं हमें तो पीना ही नहीं है। अब ये देखो इसका मैं पानी दिखाता हूँ, जो अंदर इसके पानी भरा जाता है ना उसका पानी का रंग देखो कैसा हो चुका है। ये देखना यहाँ पे मिट्टी पे हमें दिखाई देगा, ये देख रहे हो पानी साफ पानी नहीं है, पानी का रंग बदल चुका है, देखो इतना ज्यादा खराब होता है ये सब। तब इसकी बात आई है तो देसी हुक्के का भी देख लेते हैं एक बार पानी, तो देसी हुक्के का पानी भी देख लेते हैं एक बार कैसा हुआ है। अब देखो देसी हुक्के का पानी ये भी बिल्कुल खराब हो चुका है, ये देखो ऐसी बात नहीं है कि फ्लेवर वाला ही खराब था, ये दोनों का पानी जो है बिल्कुल येलो हो चुका है, देखो बिल्कुल खराब हो चुका है। तो कई लोग इसी को बोलते हैं कि जब हम हुक्का पीते हैं ना तो जो भी टार होता है, टार सारा का सारा जो होता है वो पानी में रह जाता है, हम सिर्फ धुआं लेते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं देता। अब सच्चाई आपको पता चल रही होगी, ये देसी हुक्के की रुई थी, फ्लेवर वाले हुक्के की रुई मैं अब निकालने वाला हूँ। ये हटाया और धुआं देखो अभी भी लगी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो खोलते ही धुआं निकला, पर महक आई है, फ्लेवर्ड होता है तो इसमें थोड़ी मीठी मीठी खुशबूदार सी महक आती है, बट मुझे पसंद नहीं है। अब ये देखो फ्लेवर हुक्के का कितना निकलता है, इसमें पानी कम आया है, आया जो भी वो सारा का सारा यहीं पे रह गया, और इसमें भी टार होता है ये देख रहे हो हीरा, बट इसका इतना नहीं है। ये देखो ये पानी जैसा लग रहा है, इसमें मुझे ग्लव्स पहनने की जरूरत फील नहीं हो रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था हीरा। ये फ्लेवर वाला है तो फ्लेवर वाली कॉटन अभी तक, पर ये देखो ये वाला पॉइंट जहाँ से सेक्शन हुआ है, ये देखो ये जाली लगाई थी हमने, ये रहा यहाँ पे इतना है। तो फ्लेवर वाले में अभी तक काफ़ी कम है। अब देखते हैं अगला सिगरेट वाले को, इसको ऐसे ही रख देते हैं देसी हुक्के के बराबर में। तो जैसा हमने हुक्के के साथ करा था ना बिल्कुल सेम सिस्टम यहाँ पे बना दिया, पूरा बॉक्स में अंदर इधर भी जाली लगा दी, इधर भी जाली लगा दी। क्या होगा यहाँ पे जब सिगरेट ऐसे लगेगी ना तो सिगरेट सक्शन की वजह से पूरी अंदर भी जा सकती है और रुई में आग लगा सकती है, तो यहाँ पे हमने जाली लगा दी कि सिगरेट यहीं पे रहे अंदर ना जाए। बाकी कोशिश करते हैं देखते क्या होता है, इस छेद से साइड में से एयर ना जाए इसके लिए हमने यहाँ पे ये रबड़ लगा दिया हीरा, तो जैसी सक होगी तो ऐसे रह जाएगी सिगरेट, सारी सिगरेट पे रबड़ लगा लेते हैं। तो सारी सिगरेट यहाँ पे लग गई है, अब बस इसको ऑन करना, मशीन ऑन करके मैं इसको जला रहा हूँ। तो सिगरेट देखो बिल्कुल सारी का एंड हो चुका है, ये लास्ट में थोड़ी बहुत सिगरेट बची है, ये देखो ये डब्बे में देखो कितनी सारी सिगरेट भरी पड़ी है यहाँ पे, जो लास्ट का एंड होता है ना पूरा का पूरा यहाँ भर चुका है और बदबू आ रही है बहुत ज्यादा सिगरेट की यहाँ पे। अब ये देखो लास्ट लग रही है सिगरेट जो है, हो गया यहाँ पे 300 सिगरेट अंदर जा चुकी है, 300 सिगरेट का धुआं इस डब्बे के अंदर जा चुका है। अब देखते हैं क्या हाल होता है, पूरा एंड हो चुका है, 300 की 300 सिगरेट यहाँ पे इस डब्बे में पड़ी है, जो इनके लास्ट के एंड होते हैं ना ये रबड़ जो होती है सिगरेट की वो यहाँ पे पड़ी है, इसको भी हटा देते हैं। और मुझे लग रहा है इस पे भी, ओ भाई इस पे भी टार आ चुका है, देख रहे हो ये जो था ना हमारा वैक्यूम पंप इस पे भी टार आ चुका है। अभी ग्लव्स पहन के दिखाता हूँ आपको, ऐसे हाथ नहीं लगाने वाला मैं इस पे। अब देखो इसके अंदर जो टार है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये रहा, ये तो इस पाइप का हाल है, ये देख रहे हो इसमें यहाँ तक भी टार आया है और इस पे भी देखो इस पे भी ये भी गंदा हुआ है, ये रहा इतने में भी ट्रैवल कर चुका है, इतना ज़्यादा फिल्टर होने के बाद भी जो धुआं है वो इतना टार लेके घूमता है कि पूरा वैक्यूम पंप तक आ चुका है। अब इसको खोल के अंदर से देखते हैं एक बार, ओ यार खुलते ही एकदम स्मेल आई है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है इस डब्बे में से। और देखना ये हमने जो जाली लगाई थी ना ये जाली के ऊपर भी निशान बन चुका है, ये रहा पूरा तार का, ये देखो ये इतना चिपचिप आया यहाँ पे फील हो जाएगा, आपको आवाज़ भी आएगी शायद, देख रहे हो इतना ज़्यादा चिपचिप आई कि आवाज़ आ रही है। और ये जो एंड था ये एंड है जहाँ से धुआं बाहर जा रहा था ना
वो एंड की हालत देखो क्या हुई है, ये रहा एंड पे इतना ज्यादा टार है, ये रहा। और जब लोग सिगरेट पीते हैं ना इतना गैप नहीं होता, सीधा मुंह पे लगती है, जो मुंह पे लगती है ना वो वाला हिस्सा देखो, ये रहा उसकी हालत देखो क्या हो जाती है, ये देख रहे हो क्या हाल होता है, ये रहा ऐसी हालत हो जाती है भाई फेफड़ों की, देख रहे हो पूरा यहाँ पे इतना चिपचिपा हो चुका है, ये जो है ना ये इतना टार है इसमें, ये रहा ये देखो। और कॉटन कहीं से भी साफ नहीं बची, ये वाला जो मुंह था ना ये तो पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, जाली पे भी ये रहा सब जगह टार चिपक चुका है, ये रहा हर जगह टार है, मैं जाली दिखाता हूँ आपको हटा के भी, ये देखो जाली पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे सारे में टार जम चुका है, ये रहा जाली के ऊपर, ये रहा हर जगह टार है और कॉटन पूरी की पूरी गंदी हो चुकी है, ये देखो ये एंड था, एंड वाली कॉटन ये रखी और बाकी पूरी कॉटन की हाल देखो, ये रहा इतनी गंदी हो चुकी है ये। तो मैं कंपेयर करता हूँ सब कुछ, तो ये जो है ये थी भाई सिगरेट वाला, ये सिगरेट वाला है, यहाँ पे ये दो डब्बे और हैं कल के, ये जो हमने करा था मतलब हमें टाइम हो गया काफ़ी करते करते, ये सिगरेट का है, ये देसी हुक्के का और ये फ्लेवर हुक्के का, देसी हुक्के में भी ये देखो राख वगैरह आई थी, गंदा हुआ था पर कॉटन की हालत देख रहे हो, ये देखो मैं खूब पलट के आपको दिखा दूँ, इसमें पानी आ गया तो पानी अंदर पड़ा हुआ है देसी हुक्के में, ये रहा ये देसी हुक्के का है, ये फ्लेवर वाले का है, ये देखो अब आप खुद अंदाजा से लगा सकते हो कि सिगरेट कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, इतना नुकसान करती है सिगरेट और इतना करता है देसी हुक्का और ये है फ्लेवर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा गंदा तो आप सिगरेट छोड़ के हुक्के पे आ जाइए, फ्लेवर हुक्के पे आ जाइए, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी केमिकल होते हैं, ये भी आपको नुकसान पहुँचा रहा है, ये भी पहुँचा रहा है, ये सिर्फ कंपेरिजन था कि कौन सी चीज़ कितना नुकसान करती है, हमने कॉटन पर दिखाया है, वरना इतने सारे केमिकल होते हैं कि हम उसको नाप नहीं सकते इन कॉटन से, यहाँ से सिर्फ हमें पता चल रहा है कि धुआं कितना है, टार कितना है, कितना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना था कि स्मोकिंग जो भी करता है ना उसको ये वीडियो दिखाओ, उसको देख के शायद इतना गंदा फील हो कि यार इतनी गंदी चीज़ें तो मैं छोड़ दूँ, आपके एक वीडियो शेयर से शायद उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, वो स्मोकिंग करना छोड़ दे। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों की स्मोकिंग की आदत छूट सके, और अब आप खुद डिसाइड कर लो भाई कितनी बुरी होती है स्मोकिंग।